राजेश खन्ना और डिंपल की छोटी बेटी रिंकी 40 साल की हो गई है। रिंकी का जन्म 27 जुलाई 1977 में हुआ था। रिंकल बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं और अब अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। रिंकी खन्ना का नाम पहले रिंकल था। डिंपल और ट्विंकल से मिलता जुलता नाम रखना चाहते थे राजेश खन्ना, इसलिए छोटी बेटी का नाम रिंकल रख दिया। रिंकल के नाम के पीछे एक और कहानी है। कपाड़िया खानदान यानी डिंपल कपाड़िया के घर में एक परंपरा थी, वहां लड़कियों के नाम के पीछे एली होना चाहिए। इसी वजह से रिंकल की मम्मी का नाम डिंपल, दीदी का नाम ट्विंकल, मौसी का नाम सिंपल और खुद का नाम रिंकल पढ़ा। साल 1984 में डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई थी। फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान सनी देओल से उनका रिश्ता जोड़ा। उस दौरान मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सनी देओल और डिंपल एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। कहा गया कि रिंकी और उनकी बड़ी बहन ट्विंकल बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को छोटे पापा कहती थी। उस दौरान डिंपल और सनी की शादी की भी खबरें आई थी, लेकिन कभी भी डिंपल और सनी ने अपने रिश्ते को पब्लिकली नहीं स्वीकारा। राजेश खन्ना से जब डिंपल अलग हुई थी तो उन्होंने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। डिंपल ने कहा था कि राजेश खन्ना दो बेटियां होने की वजह से खुश नहीं थे। राजेश दूसरे बच्चे के तौर पर बेटा चाहते थे। जब रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड में कदम रखा तब वे महज 17 साल की थीं। रिंकी खन्ना की पहली फिल्म 1999 में आई प्यार में कभी कभी थी। इसमें उन्होंने खुशी का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला था। रिंकी का बॉलीवुड करियर काफी छोटा रहा। महज 4 साल तक वे बॉलीवुड में एक्टिव रहीं। रिंकी ने इस 4 साल के करियर में करीब 9 फिल्मों में काम किया। ना सिर्फ बॉलीवुड, रिंकी खन्ना साउथ की फिल्मों में भी हाथ आजमा चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म जिस देश में गंगा रहता है की थी।